की बात। बीते 24 घंटों के आंकड़े अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 500 के करीब केसेस हैं और ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 500 के करीब और एक्टिव केसेस की संख्या अब 3000 के पार। बिल्कुल, और कल शाम 6 जो 7 बजे का जो बुलेटिन आता है, जो हेल्थ बुलेटिन आता है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 498 मामले जो हैं कल जो है उसका आंकड़ा यहां पर सामने आया। 498 मामले वो हैं जो कोरोना संक्रमण के हैं, और ऐसे में मौत जो है वो भी एक हुई है। सिरमौर के एक व्यक्ति जो कि 53 साल उसकी उम्र थी, उसकी मौत जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और जो चार्ट है वो कुल मिलाकर कहता है कि जो आंकड़ा 30 तारीख, क्योंकि 30 तारीख इसलिए हम कह रहे हैं बेहद कम मामले थे और सरकार ये सोच रही थी, लोग ये सोच रहे थे कि अब कोरोना जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में संक्रमण जो है बिल्कुल नहीं फैलेगा, लेकिन 30 दिसंबर के बाद से लगातार मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और उसके बाद आज अगर मैं बात करूं 450 के आसपास मामले थे 30 तारीख को, और उसके बाद अगर आज अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस जो हिमाचल प्रदेश में हैं 3148 मामले जो हैं वो यहां पर हो चुके हैं कुल मिलाकर। और ऐसे में मौत का आंकड़ा भी, राहत की बात यह है कि ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, और जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की टीम लगातार रिसर्च कर रही है, देख रही है कि पहली लहर जो है वो किस तरह की रही, दूसरी लहर किस तरह की रही, और अब तीसरी लहर में ये माना जा रहा है कि ज्यादा मौतें इसमें नहीं होंगी लेकिन संक्रमण जो है वो लगातार फैलेगा, परेशान लोगों को जरूर करेगा। ऐसे में राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, और इन तमाम चीजों को देखते हुए अब राज्य ने बंदिशें जो है उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। बीते कल ही एक ऑर्डर जो है वो देश में आया था जिसमें ये कहा गया था कि अब आप जो सरकारी दफ्तर है हिमाचल प्रदेश के वहां पर जो है 5 डेज वीक जो है वो उसके हिसाब से कर्मचारी अब आएंगे, यानी कि हफ्ते में 5 ही दिन अब दफ्तर जो है वो यहाँ पर खुलेंगे। इसके साथ साथ 50% जो कैपेसिटी है उसके साथ दफ्तरों में अब लोग आएंगे, शिक्षण संस्थानों को पहले ही बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो बाजारों के ऊपर फैसला जो है वो अभी आना है कि किस किस समय पे अगर वीकेंड लॉकडाउन जैसी परिस्थिति अगर बनती है तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो बाजार है वो किस तरह से बाजार जो है वो बंद होंगे, क्या उनकी टाइमिंग रहती है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है व्यवसायी लोग जो है वो बीते जो पहले हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, उस समय भी जब कर्फ्यू और लॉकडाउन की परिस्थितियां बन रही थी उस समय भी जो व्यवसायी हैं वो काफी नाराज सरकार से थे, क्योंकि जो टाइमिंग्स थी वो ऐसे समय पे थी जहां कर्मचारी जो है जब मार्केट में पहुंचता था तो उस समय बाजार बंद हो जाते थे। तो इसलिए घरों में किस तरह से राशन पानी जो है वो भरना है, सब्जी जो है वो किस तरह से खरीदनी है, दूध किस तरह से खरीदना है, तमाम चीजों को लेकर संशय लगातार जो है इसके ऊपर बना हुआ था। आज इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर से सबक लेने के बाद तीसरी लहर के अंदर अब किस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो करनी है जिससे आमजन को ज्यादा दिक्कतें ना हो, इस बारे में भी राज्य सरकार जो है गहन चिंता कर रही है, बैठकें कर रही है, और जल्द ही इसके ऊपर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आज की अगर बात करें कोरोना से हालात हिमाचल प्रदेश में कुछ खास अच्छे जो है वो नजर नहीं आते, क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार फैला हुआ है। और ऐसे में अगर बाकी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि 100 से ज्यादा लोग जो है वो इंडोर किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, इंडोर में 100 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। और इसके साथ साथ 300 से ज्यादा लोग नियम बनाए गए हैं और लोगों को उन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि प्रदेश में भी अब 3000 के पार एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच चुकी है। शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए विकास शर्मा। तो हिमाचल में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सावधानी बरतना जरूरी है।